जिंदगी बोझ है, जिंदगी बोरियत है, जिंदगी थकान है, जिंदगी नरक है, जिंदगी ऐश कैसे हो सकती है? खबरदार, हमसे कहा कि जिंदगी आनंद है, ये मत बता रहे ना हमें, ये शब्द वर्जित है। हाँ, हमें बताओ, जिम्मेदारी कर्तव्य है, जिम्मेदारी आंसू है, जिंदगी ट्रेजेडी है। जिंदगी अलसाई आंखें हैं जो थोड़ा और सोना चाहती हैं पर जबरदस्ती उठना पड़ रहा है, हम मान लेंगे। हमें बताओ कि जिंदगी एक ऐसा कॉलेज है जहां हम पढ़ना नहीं चाहते, ठीक। जिंदगी एक ऐसा ऑफिस है जहां हम काम नहीं करना चाहते, ठीक। जिंदगी एक ऐसा घर है जहां हम रहना नहीं चाहते, ठीक। जिंदगी एक ऐसी बीवी है जिसके साथ हम जीना नहीं चाहते, ठीक। जिंदगी ऐसे कपड़े हैं जो हम पहनना नहीं चाहते, ठीक। लेकिन जिंदगी मस्ती है और मौज है और आनंद है, ये मत कह देना। FIR कर देंगे, मुरादाबाद क्या? तुम्हें पता भी है ऐश क्या होती है? कभी करी है ऐश? जिस चीज ने मुझे खुशी मिलेगी या फिर जिससे मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होगा। ऐश तुम्हारा सेटिस्फैक्शन नहीं है। सेटिस्फैक्शन के लिए तो डिससेटिस्फैक्शन चाहिए। जब डिससेटिस्फाइड होते हो ना, तभी सेटिस्फैक्शन की बात उठती है। तुम डिससेटिस्फैक्शन की बात कर लो, अपने आप सेटिस्फैक्शन की बात चालू हो जाएगी। पर ऐश इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, उसका तुम्हें कुछ पता नहीं। बस बातें जानते हो, नाम सुना है। हमारे दुख को दबा दे, दुख को तो सुख दबा देता है, वो तो वही है। असंतोष संतोष ये ऐश नहीं होती है। जिसने एक बार को भी कैसे भी उसको चख लिया, उसके बाद वो ऐसे नहीं बोलता कि ऐश करनी है क्या सिर्फ, फिर कहता है ऐश करनी है चले, छोड़िए ना सर ये बातचीत, चलते हैं। बातचीत में क्या रखता है? ऐश तुम्हारा पेन रिलीवर नहीं होती है कि दुखी हो तो जाके कहीं नाच आए, या टीवी देख लिया, या शराब पी ली, या किसी से फोन पे बात कर ली, ये ऐश नहीं होती है। तुम्हें कुछ पता भी है कि मस्ती बोलते किसको है? अरे भूल गया, एक्चुअली मस्ती हमेशा एडल्ट रेटेड होती है, बच्चों के लिए होती नहीं। हाँ,
बच्चों के लिए तो झुंझने, पालने, खिलौने, दूध की बोतलें, लोरियां, ये सब होती हैं। आनंद तो मैच्योरिटी, परिपक्वता के साथ आता है। उसके लिए वास्तव में बड़ा होना पड़ता है। तो तुम्हें क्या बताया इस पर? लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में मुन्ना करे, मुन्ना ऐश करे, ये बोला क्या? मुन्ना करे तमाशा, तो वही जानते हो, मुन्ना करे तमाशा। मुन्ना को मैच दिखा दो, मुन्ना यही ऐश जानता है, इतनी ताली बजा बजा के नाचेगा मुन्ना, छक्का मारा छक्का मारा। तुम्हारे लिए ऐश का इतना ही अर्थ है। है ना? फिर कितना क्या है? बड़ों के लिए है वो। तुमको अगर छोकरा छोकरी बने रहना है, अगर लोग तुम्हें भी ऐसे ही देखते हैं, ए शर्मा जी का लौंडा आ गया, हाँ गुप्ता जी की बच्ची, तो ऐश नहीं है बेटा तुम्हारे लिए। मैं भी यहाँ पे आया तो कई चेहरे दिखाई दिए जो कैंप में थे, फिर अभी उनको देखा और दिल थोड़ा बैठ सा गया। ऐसा लगा जैसे किसी डॉक्टरेट को किसी ने स्कूल के कपड़े पहना दिए हो। कैसा तुम्हें छोड़ता हूं और कैसा तुम्हें देखता हूं। अब कहां ये रेत पे लौट रही थी और बारिश में ढोलक बजा रही थी, और कहां ये स्कूली कपड़े। तुम्हारा पूरा होना ही जैसे बदल जाता है, और तुमने समझौता कर लिया है इसी चीज के साथ कि हम तो बच्चे हैं। फिर कहते हैं फिर बहस करनी होगी, गंदी बात। गंदी बात में भी तुम्हें डर यही है कि तुम्हारी छवि छिन जाएगी। जरूरी है तुम्हारे लिए कि कुछ गंदी बातें करो, तुम्हारा समय आ गया है। वो जो तुम बचाए बैठे हो वो छिनने के लिए ही है, उसे क्या लेके मरोगे? फेसबुक पे जा करके बटन दबाने से ऐश नहीं हो जाती। माई कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिब्रेशन,
और करोगे तुम में से बहुत सारे दोस्तों, तुम्हारे हिसाब से मैन ऑफ द मैच कौन होना चाहिए? उधर से कुछ बोल रहा है, इधर से कुछ बोल रहे हैं, और पोकेमॉन और पोपोई की बातचीत चल रही है। ये तुम्हारी वयस्कता है, ये तुम बड़े हुए। अभी घुस रहा था कॉलेज में, अच्छा लगा, तुम लोगों ने ऐसे जवान की फोटो लगा रखी है जो वास्तव में ऐश में जिया और ऐश में मरा। जो भी करो एक बार देख लिया करो, वो ऐसा करता। जल्दी बताओ, और उसकी ऐश के क्या कहने। ऐसे होती है ऐश कि सब कुछ छोड़ने को तैयार खड़े हैं, जान भी, तब होती है ऐश। A for ash and A for क्या नाम है? A for देखो मैंने कैसे पूछा। कॉलेज है गाजियाबाद, वहां पर तुम्हारी तरह बीटेक की लड़की है, उससे लोगों ने पूछा कि तू कैंप में क्यों नहीं आती, तो बोलती है कि मेरी मम्मी कहती है कि तू जहां भी जाएगी मैं भी साथ चलूंगी, क्योंकि तू मेरे ही हाथ का खाना खाती है। तुम्हारी स्टूडेंट है। यहाँ भी ऐसे बहुत है, ये मत सोचना, वहां बात खुल गई या छुपी है, यहाँ ऐसे बहुत है। टिफिन खुला। तीन पराठे, दो छोटे छोटे कटोरियों में सब्जियां, अचार। कई तो होंगे पक्का जो घर से पानी की बोतल भी लेके आते होंगे कॉलेज में, है कि नहीं है, बोलो। मिल्टन की बोतल खोला उसको, और तुम ऐश करोगे, तुम खाना पीना खा के सो जाओ, ऐसे तकिए छुप कर। इन बैच में होगा मैं तो पिछली बार आया था, तुमने उसे कहा था कि तुम मुझसे सवाल पूछो, मैं भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ।
मैंने पूछा था तुम में से कौन है जो अपनी कमाई का एक पैसा भी कमाता है। मैंने तुमसे पूछा था कितने हैं जो अपने कपड़े खुद धोते हैं। मैंने पूछा था कितने हैं जो खाना खा करके अपनी कम से कम प्लेटें खुद साफ करते हैं। मैंने कहा तुम मुझसे इतने बड़े बड़े सवाल पूछते हो, चलो मैं कुछ बोल देता हूँ। अब मैं तुमसे छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ और तुम चुप बैठे हो। तुम में से कितने हैं जो अपने कपड़े खुद प्रेस भी करते हैं? देखो, दो हाथ, पांच हाथ, अरे आधे हाथ, बाकी आधों का क्या करें? कई ऐसे होंगे जिन्हें पता भी नहीं होगा कि प्रेस में कपड़ा ऊपर रहता है, प्रेस ऊपर रहता है। तुम्हारे यहाँ आधे ऐसे होंगे जिन्हें कोई खाना बना के ना दे तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाए, पर उन्हें ब्रेड सेकना भी नहीं आता होगा। बच्चे हैं, अभी क्या करोगे? घर जाओगे, कपड़े उतार के डाल दोगे, यही करोगे ना? अब माँ का काम है कि जाकर के धोए। करते हो कि नहीं करते हो? जब दूसरी में पढ़ते तब भी यही करते थे कि नहीं करते थे? तब दूसरी तीसरी क्लास थी, अब सेकेंड थर्ड ईयर बीटेक का, कुछ बदल गया? लल्ला लल्ला लोरी, हंसी आ रही है। मम्मी कपड़े धो ना, पापा पैसे दो ना। मम्मी किस लिए है? कपड़े धोने के लिए। पापा किस लिए है? पैसे देने के लिए। तुम ऐश करोगे? भैया भैया ऐश देना, थोड़ी सी और दे दो ना भैया। ऐश दूध मलाई है। एक सीमा तक तुम क्यूट होते हो तो शोभा देता है, उस सीमा के बाद एक तेज चाहिए होता है चेहरे पे। उसी तेज को फिर सौंदर्य भी कहते हैं। तुम में वो बच्चों वाली क्यूटनेस तो अभी भी शायद थोड़ी है, पर तुम में से सुंदर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। क्यूट ही बने रहना चाहते हो, टेडी बियर यही हो तुम। फिर टेडी बियर का तो यही होता है कि उसको लेके बोलो बोलो जल्दी। सुंदर वो है जिसकी तुमने फोटो नीचे लगा रखी है, उसे सुंदर बोलते हैं। नूर है उसके चेहरे पे। नूर है और मूछें हैं। और तुम इसी में खुश हो जाते हो कि मैं तो बड़ी क्यूट हूं जी। भद्दा लगता है, गंदा और ऊंचा लगता है। हमारी क्यूटनेस की उम्र गई तो पांचवी छठी के लड़के लड़कियों को शोभा देती है। तुम अब मर्द और औरत हो, मतलब समझते हो इस बात का? ग्रोन अप मेन एंड वीमेन,
आदमी औरत जानते हैं, छोरा छोरी थोड़ी जानते हैं। मर्द की बात होती है वो, मर्द असली खेल खेलता है फिर कि लाओ कहां है फंदा। तुम इसी में खुश हो जाते हो, अरे पता बाउंसर आई सीने की तरफ, आई उसकी सीने की तरफ बॉल आ रही है, तुम इसी में उत्तेजित हो जाते हो, वहां सीने पे बुलेट ली जाती है। मर्द में और छोकरे में ये अंतर होता है। तुम इतने में ही खुश हो जाते हो, पता है वो कितना अच्छा खिलाड़ी है, बाउंसर को हुक कर देता है, लग भी गई तो क्या होगा, गेंद है, गेंद नहीं गोलियां ली जाती हैं सीने पे, तब होती है मर्दानगी। नहीं हाँ मुझे सुबह सुबह मैसेज आ रहा है तभी से, लड़के बड़े उत्सुक हैं मैच देखने को, सर आप भी मैच देखते देखते इन्हें पढ़ाइए। सोचो उनको जाना है असेंबली में बम डालने, तभी याद आया आज मैच है। छोड़ो कल डालेंगे, आज मैच है भाई ज्यादा जरूरी है। गोलियों में जो ऐश है वो गेंदों में नहीं है। कभी लल्ला लल्ला कभी बल्ला बल्ला, तुम में से कई तो इस वक्त यहां इसीलिए बैठे हो कि फर्स्ट हाफ में निपटा दें, उसके बाद जाएंगे आराम से देखेंगे। और क्या करते हो, हॉट व्हील से खेलते हो, बारबी से खेलते हो, क्या क्या करते हो बोलो। चुन्नू और दिल मेरा डूबता है ये सोचने में कि सही में अभी भी कई ऐसे होंगे जो गुट्टे गुड़िया से खेलते होंगे, ईमानदारी की बात है कि नहीं बोलो। कैसी बात, देखा है यार बड़ी बड़ी खरीद रही होती हैं, वो वाली दिखाना भैया। नहीं जिसका पिंक वाला ब्लाउज है, मजा कितना आता है। सर पिंक वाला नहीं मैजेंटा। सोचो बाप भी बच्चा, बच्चा भी बच्चा, बिना बड़े हुए ही बाप बन गए, ऐसा ही है बेटा। उम्र बढ़ जाने से तुम वयस्क नहीं हो जाते, उसके लिए यहां कुछ होना चाहिए,
हो सकता है कि तुम 80 साल के हो लेकिन अभी भी बिल्कुल अपरिपक्व हो। और यही हमारी कहानी है। कोई एक होता है जो बड़ा हो पाता है, बाकी तो सब जानते हो, जो तुम्हारी इनर एज होती है, मेंटल एज, वो 13-14 पे जाकर रुक जाती है। उसके बाद शरीर बढ़ता रहता है, मन का विकास नहीं होता, तुम्हारी साइकी का विकास नहीं होता। दुनिया के बारे में तुम्हारा नजरिया, ये सब करीब करीब ठहर जाते हैं। बढ़ते हैं, बढ़ते 14 की उम्र में जैसे हो जाते हैं, फिर वैसे ही अपना चलते रहते हैं, उनमें कोई आगे बात बढ़ती ही नहीं है। कोई कोई होता है जो वास्तव में बड़ा हो पाता है, उसको कहते हैं खिलना, अपनी पूर्णता को प्राप्त होना। कोई कोई होता है, बाकी तो सब ऐसे जैसे हमारे ऑफिस में डहेलिया है, ये लगे हुए हैं। तो अभी 10 दिन पहले तक मौसम ठंडा था, बारिश वारिश भी हो गई, ठंडा था, अचानक से गर्म हुआ है। तो उनमें सब में कलियां आई हुई थी, थोड़ा वो जाड़े के फूल हैं, उनमें कलियां आई हुई थी, और अब हो गई है धूप। तो मैं उनको देखता हूं, उन कलियों को, वो फूल बने बिना मर रही हैं। और यही इंसान की कहानी है, कली फूल बने बिना मर जाती है, बिना खिले खत्म हो जाओगे। खौफनाक है कि नहीं ये बात, बोलो। अभी ही बहुत देर हो चुकी है, अब तक ही पता नहीं तुम्हें कितना खेल जाना चाहिए था। अविकसित, अर्धविकसित रह गए हो। तुम्हारे चेहरों पर जो भाव है, मैं फिर कह रहा हूं और दुख के साथ कह रहा हूं, तुम्हारे चेहरों पर जो भाव है, ये अभी भी बिल्कुल बालकों के हैं। बाल्यावस्था से ऊपर आ नहीं पा रहे हो तुम। एक तो तुम्हारे चारों का माहौल ऐसा है, तुम्हें बच्चा बनाए हुए है, और दूसरे अंदर से भी तुम्हारे वो अंतः प्रेरणा उठती नहीं है कि मेरा समय आ चुका है, बीता जा रहा है। फिर तुम्हें अपने आसपास वास्तव में बड़े लोग दिखाई भी नहीं देते। तुम जिसी की ओर नजर करते हो तुम्हें अपने ही जैसा दिखता है, तो तुम्हें लगता है ऐसा ही ठीक होगा, जब सब ऐसे ही हैं तो यही चलता होगा, शायद यही दुनिया की रीत। और कभी कभार संयोगवश तुम मैच्योरिटी की ओर कदम बढ़ाते भी हो, तो तुम्हारी जो ताकतें हैं जिंदगी में, वो तुम्हें वापस खींच लेती हैं। या तुम्हें इस बात का दंड मिलता है कि तुमने बड़े होने की कोशिश कैसे करी। पर आखिरी जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना, क्योंकि जीवन किसका है? अंजिया मरोगे तो किसी और को दोष दोगे, कहोगे कि अरे उसकी वजह से नहीं जी पाए, समाज ही ऐसा था, माहौल ही ऐसा था। अच्छा सही सही बताओ, हम में से ज्यादातर दाढ़ी वाढ़ी बना दी जाए बिल्कुल, और यहीं शहर के किसी स्कूल की ड्रेस पहना दी जाए,
तो पूरा शहर यही सोचेगा ना कि अभी स्कूल में ही पढ़ता है, और वो भी स्कूल दसवीं तक का हो। बड़ी आसानी से तुम दसवीं के बच्चे बन करके पास ऑफ हो सकते हो, बड़ी आसानी से। चेहरे पे वो भाव आया ही नहीं है, नजर में वो तीखापन, माथे पर वो स्पष्टता आई ही नहीं है, आ रही ही नहीं है, कली खिल ही नहीं रही, और समय बीता जा रहा है जैसे कोई बच्चा पैदा ही ना हो रहा हो और नौवां दसवां महीना लग गया हो। वो बच्चा मर जाएगा, एक समय होता है पैदा हो जाने का, उस समय पे नहीं पैदा हुए तो ऐसा नहीं है कि गर्भ में और विकास होगा, अब मर जाओगे। तुम्हारा पैदा होने का समय आ गया है, आ नहीं गया है, बीता जा रहा है। तो अच्छे हो, मुझे कोई द्वेष नहीं है, ठीक है भोलापन है ये सब, पर कहां अब क्यूटनेस नहीं शोभा देती बच्चे तुम्हें। और इस बात को कोई बोले लुकिंग सो क्यूट तो गाली मारा करो उसको, गाली है। मैं दो चार और मर्दों के नाम बताता हूं, जा करके देखना वो दिखते कैसे थे। और ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई भाव ओढ़ रखा है, ऐसा नहीं कि वो जानबूझ करके चेहरे पर कोई भाव लेकर के चलते थे, सिर्फ देखना वो दिखते कैसे थे। और मुझे बताना वो क्यूट लगते थे क्या, मुझे बताना कि वो क्यूट लगते थे, अब क्यूट नहीं लगते थे, मर्द लगते थे। और ऐसा नहीं कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, उनमें से ज्यादातर ऐसे थे तो जवानी में ही गए, लेकिन उनके चेहरे पे मर्दानगी थी। और मर्दानगी से मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कों से ही संबंध है, लड़कियां भी होती हैं उनके चेहरे पे, एक स्त्रीत्व होता है, एक बाकापन होता है, एक तेज होता है। तुम्हारे चेहरे पे तेज है, जाके देखो धूमिल की फोटो कभी, या चंद्रशेखर आजाद की देखो, या फिडेल कैस्ट्रो की देखो, या राम मनोहर लोहिया की देखो, इनमें से कुछ प्रसिद्ध है कुछ ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, पर ये वो लोग हैं जो जिए हैं ठसक में, कुछ को दुनिया ने जाना कुछ को नहीं जाना, लेकिन मर्द थे ये। अब तुम्हारा माहौल ऐसा है कि तुम्हें जिन लोगों के नाम पता चलते हैं वो भी वही लोग हैं जो वास्तव में बड़े नहीं हो पाए हैं लेकिन समाज के पैमानों के अनुसार सफल है। तो तुम्हारे जो ये लोग हैं इनके चेहरों पर थोड़ी भी परिपक्वता होगी। अब तो मार्क जुकरबर्ग का चेहरा देखोगे तो वो तो आज भी लौंडे जैसा है, तुम्हारे आदर्श ही लेकिन ऐसे बने हुए हैं।
कुछ बातें दे रहा हूँ जो तुम्हें बड़ा होने में मदद करेंगे, ठीक है? इन्हें लिख लो। पहली, भीड़ से दूर रहो, अकेले चलना सीखो, बिल्कुल झुंड में पाए नहीं जाओ, अकेले दिखने चाहिए। जहां कहीं भी अपने आप को झुंड में पाओ, समझ लेना कि तो बच्चों वाले ही काम कर रहा हूं। आई बात समझ में? दूसरा, कतार में मत लगो। कतार से मेरा मतलब ये नहीं है कि बस की कतार लगी है तो उसको तुम तोड़ो। कतार से मेरा मतलब है जिस चीज के लिए दुनिया दीवानी हो रही हो, पूरी क्यू बनी हुई हो, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। परिपक्वता की निशानी होती है कि वहां तुम पाए नहीं जाओगे, कतार में नहीं लगो। ये पहले से संबंधित बात थी। तीसरा, आजादी सबसे ऊपर। जब भी कभी चुनना हो, कोई भी निर्णय करना हो, तो उसमें बस ये देखना है कि आजादी किस तरफ है, फिर भले उस आजादी की कीमत कितनी भी देनी पड़े। बात आ रही समझ में? जब भी तुम कोई निर्णय करते हो ना, उस निर्णय में एक तरफ गुलामी होती है, एक तरफ आजादी। भले ही वो छोटे से छोटा निर्णय हो, भले ही वो किसी भी संदर्भ में कोई निर्णय किया जा रहा हो, और उस निर्णय में हमेशा एक तरफ गुलामी और एक तरफ आजादी होती है। तो तुम्हें फैसला करते वक्त सिर्फ ये ख्याल करना है कि इस फैसले में आजादी किस तरफ है, और मुझे उस तरफ ही जाना है, भले ही कुछ भी कीमत देनी पड़े। अगला, प्रेम के लिए उपलब्धता। अब प्रेम से मेरा आशय सिर्फ विपरीत लिंग से प्रेम नहीं है, वो भी है, उसको रोका या मना नहीं किया जा रहा, पर उससे कहीं आगे की बात है ये। प्रेम के लिए उपलब्धता का मतलब ये है कि अब तुम्हारी वो वह आ गई है जब कुछ तुम्हें ठीक लगेगा, जो तुम्हें ठीक लगा उसके लिए उपलब्ध रहो। तुम्हारी वो अवस्था आ गई है जब कुछ तुम्हें खींचेगा, आजादी खींचेगी, सच्चाई खींचेगी, उड़ान खींचेगी, जो तुम्हें खींचे उसे तुम्हें खींचने दो, उपलब्ध रहो कि जब सच्चाई दिखाई है तो इसकी ओर जाऊंगा। यही प्रेम है कि पुकार आई है और मैं चला जाऊंगा। अरे बात समझ। अगला, डर का पीछा करो। डर का सामना तो कोई भी कर सकता है, तुम्हें डर का पीछा करना है। डर का पीछा करना समझते हो? तू है कहां, बाहर निकल। डर तुम्हारे पीछे नहीं आए, तुम डर के पीछे जाओ। मुझे अच्छा लगता है तुझसे खेलना, आना, डराना। मुझे डरा, और न डराए तो उसको चिकोटी काटो। तू डरा क्यों नहीं रहा? डरा, तेरा काम है मुझे डराना, डरा।
हम डरना चाहते हैं, आओ डराओ। अगला फाका मस्त्र, फाका मत समझते हो, बाहर से कम लिया और अंदर से भरपूर है। बाहर से फाका, अंदर से मस्ती। दुनिया से कुछ नहीं और भीतर सब कुछ, ये फाका मस्ती है। कि पेट खाली है तो पेट बजा बजा के नाचेंगे, अच्छा है। जैसे ढोलक खाली होती है तो खूब बजती है ना, बढ़िया। ढोलक भरी हो तो बजेगी नहीं। आज पेट खाली है, खाने को नहीं मिला, आज पेट बजा बजा के नाचेंगे, ये फाका मस्ती है। जवान आदमी को ये सब शोभा नहीं देता है कि 18 के हो और इतनी बड़ी तोंद लेके घूम रहे हो। जवान आदमी को फैट वसा शोभा नहीं देती है। हड्डियां होनी चाहिए वज्र के जैसी। कोई तुम्हारा हाथ छुए तो या तो उसको मांसपेशियां मिले, नहीं तो हड्डियां। मांस न मिले। आ रही बात समझ में? तुम्हारी वो हालत नहीं, कोई आए तुम्हारे गाल पकड़े, गोलू गोलू कितने प्यारे प्यारे गाल हैं, लंबे लंबे खींच रहे हैं, गाल खींच रहा है कोई तुम्हारे। और तुम में से कईयों के साथ ये होता होगा, बुआ जी आई और गोलू की गाल खींच रही है। गोलू गाल खींचवा रहे हैं। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे के भुजदंड अब है, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लिजलिजी नहीं, सॉफ्टी। भुजदंड भुजाएं, पत्थर और लोहा चाहिए वहां पर। आ रही बात समझ में? अगला खुरदुरे रहो, खुरदुरे। क्या अर्थ है खुरदुरे होने का? तुम्हारी वो अवस्था नहीं है कि मन को या तन को चमकाओ, चिकना चुपड़ा करो। मन भी जरा ऐसा रहे कि खुरदुरा है। खुरदुरा होने का अर्थ यह है कि रगड़ता है, कि संसार से संपर्क में आता है तो घर्षण होता है, जरा आग उठती है।
और शरीर भी वैसा ही। तुम्हारे शरीर में गोलाइयां नहीं शोभा देती, शरीर जरा एंगुलर रहे, कोण दिखाई देने चाहिए, एंगल्स, कर्व्स नहीं। अगला बदलते रहो, बढ़ते रहो, बदलते रहो, बढ़ते रहो। ये बच्चे वाला बदलाव नहीं है, बच्चे में भी बदलाव होता है, पर उसका सारा बदलाव या तो प्रकृति के कारण होता है या समाज के कारण होता है। उसकी देह बढ़ती है प्रकृति के कारण, और उसके मन में जो कुछ डाला जाता है वो समाज से आता है, और बुढ़ा वो होता है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा होता। बच्चे दिन में 14-14 घंटे सोते हैं, बुढ़े 4 घंटे ही में काम चला लेते हैं, क्योंकि जो प्रकृति का बदलाव होता है ना वो सोते समय होता है। बुढ़ापे में तुम्हारे भीतर रिजुविनेशन होना बंद हो गया होता है, इसीलिए सोने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। छोटे बच्चों को देखना, वो दिन में 16-16 घंटे सोते हैं। बच्चा कौन? जो बदल तो रहा है लेकिन उसका सारा बदलाव बाहरी है। बुढ़ा कौन? जो अब जड़ हो गया है, जो अब अटक गया है, जिसका परिवर्तन अब रुक गया है। जवान कौन? जो बदल रहा है और जिसके बदलाव का केंद्र आंतरिक है। समझ रहे? ये इतनी बातें तुमने लिखी हैं, इनमें से कोई एक दो भी अगर बैठ जाए तुम्हारे भीतर तो सब हो जाएगा। कोई इतना ही कर ले बस कि अकेले चलूंगा तो भी हो गया। कोई इतना ही कर ले कि जब समझ जाऊंगा तो उसका पालन करने के लिए उपलब्ध रहूंगा, उसका भी हो गया। और कोई बस फाका मस्ती को ही जिंदगी बना ले तो उसका भी हो गया।